स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। सत्यम शिवम सुंदरम, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है? शिव ना सिर्फ हिंदू धर्म के मुख्य देवता हैं, बल्कि शिव खुद में संपूर्ण है, इसलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। शास्त्रों में वर्णित है कि शिव शून्य है, जिनसे जगत की शुरुआत होती है। भगवान शिव से जुड़ी अनेक कथाएं आपने सुनी होंगी, ये सब शिव की विशेषताओं को अलग अलग तरीकों में समर्पित है। लेकिन शिव एक ऐसा विषय है जिनके बारे में जितना आप जानेंगे उतना ही आपकी उत्सुकता बढ़ेगी। आइए आज भगवान शिव के बारे में कुछ प्रमुख बातों पर नया जानते हैं। जैसे उनकी नृत्य मुद्रा, आपने भगवान शिव की नृत्य मुद्राओं की काफ़ी तस्वीरें देखी होंगी। इनके नृत्य को तांडव कहा जाता है और इसमें भी दो रूप हैं, जिसमें एक क्रोध का प्रलयकारी रौद्र तांडव और दूसरा आनंददायक जिसे आनंद तांडव कहा जाता है। त्रिशूल, भगवान शिव एक त्रिशूल हैं। त्रिशूल की तीन नोक हैं। ये तीन नोक तीन गुण जैसे सत, रज और तामस का प्रतिनिधित्व करते हैं। सत निर्माण का आधार है, जबकि रज निरंतरता के लिए खड़ा है, जबकि तमस विनाश का आधार है। यह संकेत है कि भगवान शिव निर्माता संरक्षक होने के साथ ही सृष्टि के नाशक भी हैं। भगवान शिव गले में सर्प यानी सांप धारण करते हैं, जिसका अर्थ है वह मृत्यु और भय को नियंत्रित करते हैं। यह दर्शाता है कि भगवान शिव समय से अछूते हैं, यानी काल चक्र से भी परे हैं। नीलकंठ, यह दर्शाता है कि भगवान शिव मृत्यु से परे हैं। जब समुद्र मंथन पर विष निकला, तब शिव ने इस सृष्टि की रक्षा के लिए वो विष को पी लिया था। अर्धनारीश्वर, भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, जो शिव और शक्ति का प्रतीक है। प्रकृति के संयोजन का आधार शिव को माना गया है, जिनमें पुरुष और स्त्री की समान ऊर्जा होती है। तीसरी आंख, भगवान शंकर का एक नाम त्रिलोचन भी है। त्रिलोचन का अर्थ होता है तीन आंखों वाला। वेदों ने शिव के तीसरे नेत्र को प्रलय की संज्ञा दी है। शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु है, यह विवेक का प्रतीक है। ज्ञान चक्षु खुलते ही वासना काम जलकर भस्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी जानकारी भगवान शिव के बारे में? पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।